मोदी ने भारतीय नौसेना को सौंपा पहला स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत CM। दिल्ली के CM केजरीवाल आज रहेंगे गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। मिर्जापुर में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विद्यावासिनी के लिए किए दर्शन पूजन, विद्युत कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी की याचिका पर आज सुनवाई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का चंदौली दौरा, नियामाबाद में अमृत सरोवर का करेंगे निरीक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए आज महाशक्तियों से लैस INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। PM मोदी ने अपने कर्म कलों से इस युद्धपोत की नौसेना को सौंपा। जानकारी के INS विक्रांत को बनने में 13 साल लगे हैं। INS विक्रांत का वजन 4000 टन बताया जा रहा है। इसके साथ ही नौसेना को एक नया ध्वज भी दिया गया। इस नए ध्वज को शिवाजी महाराज को समर्पित किया गया है। केरला के समुद्री तट पर भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बलरामपुर में CM योगी दौरे पर है। उन्होंने इस दौरान देवी पाटन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि CM योगी इस दौरे पर शारदीय नवरात्रि की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक CM के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किया गया है। मथुरा में राधा अष्टमी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए IG रेंज आगरा नचिकेता झा और SSP ने बरसानी मंदिर का निरीक्षण किया। इस साथ ही SSP ने मौजूद मतहतों को दिया निर्देश। बता दें कि 3 और 4 सितंबर को बरसाना में राधा अष्टमी के पर्व की धूम रहेगी, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु महोत्सव में शामिल होने के लिए बरसाना पहुंचेंगे। BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार काशी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बड़ी उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पुष्प और माला मल्यार्पण कर उनको बधाई दी। इसके साथ ही BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनके साथ मुलाकात की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसे पूरी मेहनत के साथ निभाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश का काम पार्टी का देने के बाद मैं आज बाबा भोले की नगरी में आया हूं।
मेरी ओर से मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ताकत से, उनके प्रयास से मुझे जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य का काम दिया। देवरिया में रौभौज घाट थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर कोई सवाई पुल के पास कुछ अवैध अंग्रेजी शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि तस्कर शराब को बिहार ले जाने की फिराक में थे। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में कोई भी हताहत नहीं हुआ। 9:40 पे सूचना मिली कि इंडियन ओवरसीज बैंक है यशोदा हॉस्पिटल के पास, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन वैशाली भेजी गई गाड़ी, देखा गया कि बैंक बंद था, उसमें काफी धुआं निकल रहा था। बैंक के मैनेजर आदि स्टाफ आ गया था, उनकी उपस्थिति में बैंक का ताला तोड़ करके खोल करके बुझाने की कार्रवाई की गई। देखा गया कि बैंक मैनेजर के केबिन में आग लगी थी, जिसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग से केवल डॉक्यूमेंट वगैरह इत्यादि जले हैं और आग को अन्य बैंक के हिस्से में फैलने से रोक दिया गया। कानपुर में मुसाईपुर और बरौली गांव के 5 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं सिलवासोर ढंग से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अब तक कुल 10 घरों को चोर निशाना बना चुके हैं, साथ ही घरों से नकदी, जेवर, मोबाइल, अन्य कीमती सामान भी पार कर चुके हैं। जेवर है, गुच्छा है, मोबाइल है। लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा? 45 लगभग टोटल कितना नुकसान होगा आपकी नजर में? दो का होगा लगभग। पुलिस आई थी? कम होगा। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। चोरी हुई है? क्या क्या गया चोरी में? सब गया। फिर भी सब जेवर गए, रुपया गया है, जितने बर्तन है। लगभग कितने का नुकसान होगा आपका आइडिया? कुछ आइडिया ये है, मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए का नुकसान होगा इसमें। पुलिस आई अभी तक? पुलिस आई अभी तक? हरदोई में पहलवानों के बीच कुश्ती का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक तगड़ा पहलवान पहले तो दूसरे जरा कमजोर पहलवान पर थप्पड़ों की बारिश करता है, लेकिन चंद सेकंड में कमजोर पहलवान ने कई धोबी पछाड़ लगाकर तगड़े पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये कुश्ती राजस्थान और नेपाल के पहलवानों के बीच हो रही थी। लखनऊ में पारा थाना पुलिस की लापरवाही, चोरों के हौसले बुलंद लगातार होते जा रहे हैं। बता दें कि बुद्धेश्वर मंदिर के पीछे कार सर्विस सेंटर में चोरों ने शुभम कार सर्विस सेंटर में ताला तोड़कर 4 पहिया वाहन समेत लाखों रुपए का हाथ साफ कर दिए, जिसकी शिकायत सर्विस सेंटर मालिक ने पुलिस से की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एक्चुअली मैं सुबह, मेरे पास मेरे चौकीदार का फोन आया था कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। तो उसके बाद मैं घर से तत्काल अपनी कार लेकर के अपने ऑफिस आया, देखा मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। फिर अंदर आया, देखा ऑफिस में भी सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और हमारे ड्रॉअर का भी ताला टूटा हुआ है। यहाँ से मेरा लैपटॉप और 2 LED TV थी वो गायब थी, DVR गायब था और मेरा वाईफाई लगा हुआ था वो गायब था। फिर अंदर गया तो देखा कि एक सफारी कार मेरे पास खड़ी थी, सर्विसिंग के लिए आई थी, वो भी गायब थी। और जब मैं अपने स्टोर में गया जहाँ स्पेयर पार्ट्स मेरा रखा हुआ है, तो देखा कि स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी गायब थे। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।